नमस्कार दोस्तों पर फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंडसिट प्रोडिक्शन में तो दोस्तों में जो मैच कवर करने वाले हैं साठ जैन रमान टी ट्वेंटी लेग का मैच है दोस्तों पे खेला जाएगा पी एस टी वैसे एफ डी जी टीम्स के बीच डिप्लस करेंगे इस वीडियो में फुल स्टेशनपो दोनों टीमों के प्लेयर के स्टार्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है दोस्तों वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों कभी कभार लिंक ऑर्ट करना करें तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें एट द रेट रियल एफ डब्ल्यू पी आपको फैनसिंग प्रोडक्शन का चैनल दिखेगा चौदह हजार सात सौ केस पास सब्सक्राइबर का चैनल होगा वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है और उस चैनल को अपने ज्वाइन करना दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की तो मैच सबसे कुछ देर बाद रात्रि में नौ बज के तीस मिनट से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है सारजहा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच खेला जाएगा यदि बात करें दोस्तों में एक विकेट की तो अभी तक इस टूर्नामेंट के जो मैचेस खेले गए हैं इस बैनो पे ओवरऑल विकेट बैलेंस के है यदि हम स्कोरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे एक सौ चालीस एक सौ साठ के स्कोरिंग देखने को मिल सकती है यहाँ का विकेट जो दोस्तों होता है अन्य वेन्यू के मुकाबले यहाँ का वेन्यू थोड़ा छोटा होता है इसलिए विकेट मतलब थोड़ा सा बैट्समैन को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है लेकिन अब बॉलर्स को भी यहाँ पर एडवांटेज उठाने लगा उसका रीजन है कि काफी मैचे अभी वेन्यू में खेले जा चुके हैं तो विकेट थोड़ा सा स्लो भी हो गए तो स्पिनर्स को बॉल अच्छा खासा टर्न करने लगा है पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमें पी एस टी टीम्स की तो इस टीम ने इस टूर्नामेंट में तीन मैच खेले हैं एक मैच में जीत हासिल किया हुआ दो मैच में हार का सामना करना पड़ा इनकी तरफ से तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रफी जवान और इसे तो मोहम्मद नबील बात करें दोस्तों जवान की लास्ट गेम में उन्होंने पंद्रह रन का स्कोर किया दो ओर डाली बिकट लगा उसके ऊपर एक और आठ का स्कोर है तो बैटिंग तो कुछ खास है नहीं वैसे आप ओवरऑल स्ट्रेस देखेंगे तो एक सौ छह गेम में उन्नीस सौ करीब रहे सिर्फ बीस का बैटिंग एवरेज है और वैसे कुछ दस पंद्रह रन कर सकते हैं और तेईस विकेट है बॉलिंग भी ज्यादा नहीं कराते हैं आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे बस एक दौर की बॉलिंग कराएंगे अपनी टीम में ऐसे प्लेयर ट्राई कर सकते हो वो एक आध दो की बॉलिंग भी कर रहे हैं साथ में ओपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉइंट देखें तो आपको जाएंगे ही तो अपनी टीम प्लेयर जरूर ट्राई कर सकते हो लेकिन कैप्टन वाइज कैप्टन मत बनाएगा कि उतने ज्यादा भी आपको पॉइंट नहीं दे जाएंगे जितने में आप जेल जीत पाए मोहम्मद नवी की बात करें लास्ट गेम में सात का स्कोर किया मुझे कुछ खास इनका स्ट्रेट लगा नहीं मतलब दो मैच में चालीस तीस तरीज से पहले लास्ट गेम में साथ किया तो आप इनको भी छोड़ सकते हो अमजद खान दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग पार्ट टाइम भी करते हैं लेकिन राइट हैंड बैट्समैन है अठावन गेम के अंदर चौदह सौ सत्तर रन इकतीस का बैटिंग हो रही यदि आप इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज अमजद खान ही है मेरे हिसाब से फर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने इनको दूंगा लास्ट के दो गेम में हालांकि कुछ नहीं कर पाए चार और दो का स्कोर किया हुआ लेकिन काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन माने जाते हैं काफ़ी अटैकिंग करके खेलते हैं तो जो लोग रिस्क लेना चाहें सिलेक्शन काफ़ी कम है अमजद खान को आप ट्राई कर सकते हो नीचे देखिए मोहम्मद दाऊद राइट हैंड परस में लेग स्पिन कराते हैं पार्ट टाइम उन्नीस गेम में सात सौ सात छियानवे रहा पचास का बैटिंग है और बारह विकेट है पहले मैच प्रूव भी किया इक्कीन रन की जब से फीस लास्ट गेम में पाँच रन का स्कोर किया लेकिन बैटिंग और नीचे रहता है सब जील ट्राई करेगा मोहम्मद सजाजा काफ़ी नीचे खेल रहे हैं और मतलब सत्रह का स्कोर लास्ट मैच हुई है लाते भी देखा जाए तो ठीक ठाक प्लेयर है मतलब ठीक ठाक रन किया हुआ है चौवन गेम के अंदर तीन सौ इकसठ रन है बयालीस विकेट है दो तीन ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं और साथ में थोड़ा तो और बैटिंग से बैकअप देंगे का स्कोर स्पोरें पे किया हुआ बॉलिंग से एक विकेट और एक विकेट दो विकेट भी निकाले हुए तीन मैच में तो ठीक ठाक विकेट आए हैं लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं गोल को जो खास पोर्ट में दिखा रहे तीनों मैच में अंडर टेन आउट हुए हैं फरीद गुलाम की बात करें लास्ट गेम में तीन ओर डाले विकेटेस रहे और पहले मैच में तीन वो डाल के दो विकेट निकालते हैं आपको दो तीन ओवर की बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं सैंतालीस के अंदर छियालीस विकेट हैं तो ये आपकी टीम में ठीक ठाक पिक हो सकते हैं जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा इरफान उल्ला के दोस्तों बात करें अच्छी भी करेंगे लास्ट गेम में उन्तीस रन के तीन ओर डाल के दो विकेट निकाले उसके पहले दो विकेट उसके पहले जीरो विकेट लेकिन बॉलिंग तीन चार ओवर की कराएंगे प्लस आपको आपको मतलब थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप देंगे तो मेरे हिसाब से मस्ट अपने इफरान इरफान उल्ला आपकी टीम में जरूर होना चाहिए मोहम्मद बिलाल की बात करें लास्ट गेम में तीन ओर रहे विकेट ले, ले रहे उसके पहले तीन और एक विकेट उसके बाद तीन विकेट चार विकेट ले चुके हैं तो मोहम्मद बिलाल भी आपकी टीम में इंपॉर्टेंट है राइटा मीडियम बेस्ट बॉलिंग कराते हैं तो अपन को भी ले लीजिएगा रियाज खाली की बात करें और ब्रेक बॉलर है ये भी तीन चार ओर की बॉलिंग कराएंगे ठीक ठाक विकेट निकाल लें तीन विकेट ले चुके तो अपन को भी अपनी टीम में जरूर रख के चलिएगा मैच में दोस्तों कुछ प्लेयर हैं जो कि नहीं खेल रहे हैं जिनमें से कोई लाइनअप में आता है तो आप स्ट्रेट देख सकते हैं तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है आप यहाँ पर देख लीजिए पी का एक्सपेक्टेड प्लेंग इलेवन बिट बैटिंग ऑर्डर मोस्ट पॉबली ये रहना चाहिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो दूसरी टीम रहने वाली इस मैच की एफ टीम्स की लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं मैच का फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगा लिंक का डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट मैट अपडेट और फाइनल टीम के लिए दोस्तों इस टीम ने तीन मैच खेले हैं एक मैच चुन्य जीत हासिल किया हुए दो मैच में भी, भी का सामना करना पड़ा है दोनों टीमें लगभग बराबर हैं इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए देखेंगे वाजिद खान और ऐसे मोहम्मद यासिर बात करें दोस्तों वाजिद की लेफ्ट हैंड बैट्समैन है राइट मीडियम बेस बॉलिंग करती है दोस्तों चालीस गेम के अंदर पैंतालीस करीब है इक्कीस के ओर चौरानवे विकेट है लास्ट गेम में बाइस के दो ओर डाले विकट नजरे पहले चौतीस रन एक विकेट चार ओवर यहाँ पे एक विकेट कप्टनसी का बड़ी ऑप्शन आएंगे काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर है आपको ओपन करते हुए नज़र आएंगे पर चार ओवर की बॉलिंग कराएंगे हालांकि विकेट कीपिंग सेक्शन में दिए हुए हैं लेकिन बेहतरीन ऑलराउंडर और बटिंग बॉलिंग दोनों सबको पॉइंट देते हुए नजर आएंगे यासिर की बात करें के उसके रन तीन विकेट विकेट और यहाँ पे एक ये भी आपको तीन की बॉलिंग करते दस बैटिंग से कर सकते हैं है। लेकिन बॉलिंग तो टीम में जरूर ट्राई करना मुझे कर नहीं ने छोड़ दीजिएगा बारह चौदह का स्कोर किया जेल में ट्राई कर सकते हो ठीक ठाक रहेंगे जबरदस्त चौदह का लेकिन टू राउंड खेलते हैं था। तो बैट फर्स्ट में हम ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो रिजवान अमाना अली काफी टैलेंटेड ऑल राउंडर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट बॉलिंग करते हैं लास्ट गेम में छप्पन किए तीन ओवर डाल के तीन विकेट निकाले उसको पहले एक ओवर ही डाला था और बैटिंग से फ्लॉप होते थे लेकिन उससे पहले वाले मैच बत्तीस डाल के बत्तीस रन का स्कोर किया था प्लस दो विकेट निकाल थे मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं जो जीरो से है स्कोर भी कर सकते हैं साथ में होती तीन चार ओवर की बॉलिंग कराएंगे कैप्टन और कैप्टन के अच्छे ऑप्शन रिजवान अली आपकी टीम में रहने वाले हैं नीचे लेंगे दोस्तों आपको देखेंगे यहाँ पे अब्दुल रहमान लास्ट गेम में सोलह किए थे सिर्फ जी ट्राई करेगा स्मॉल लेग रिस्की है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है हैदर अली बैट की बात करें चार ही बॉल डाली थी थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है एक सौ पच्चीस के में सत्तासी विकेट लेग में आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लेग रिस्की है हसन अली की खान की बात करें एक ओवर डाल के एक विकेट निकाला जीएल एल में ट्राई करेगा रेगुलर बॉल नहीं पार्ट टाइम ही बॉलिंग करती है थोड़ा बहुत हिटिंग कर सकते हैं मोहम्मद शकीर खान ने तेईस और इक्कीस को स्कोर किया वो आप इनको स्मॉल लग भी ट्राई कर सकते हो लास्ट में आगे हटिंग कर सकते हैं प्लस आपको दो तीन ओवर की बॉलिंग कराएंगे जैसे कि यहाँ पर तीन ओवर डाला हुआ है हाँ आदिल हनीफ की बात करें दो मैच में छः ओवर की बॉलिंग की हुई अभी तक विकेट नहीं मिला हुआ ग्रैंड लीग में स्पेशली ट्राई करिएगा काफ़ी कम सिलेक्शन है स्मॉल लीग थोड़ा सा रिस्क रहेगा फरहान अहमद ने दो मैच में छः ओवर की बॉलिंग कराया कि एक विकेट निकाला हुआ तो भी आपके लिए साबित रहने वाले हैं तो दोस्तों के सामने फोन से देख सकते हो अब डी का एक्सपेक्टेड प्लेंग एवन विथ बैटिंग ऑर्डर मोस्ट मोस् यही रहना चाहिए दोस्तों इनके बेंच में कुछ प्लेयर हैं जिनमें से कोई खेलेगा तो स्टार्ट आप देख सकते हैं फिर दोनों टीम के बेंच से कोई भी प्लेयर लाइनअप में आएगा तो उनका स्टार्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से, से मैं वाजिद खान के साथ जा रहा हूँ बैटिंग सेक्शन से ऐसे से रफीक जमान अमजद खान और ऐसे सऊद अफचल को पिक किया हुआ है ऑलराउंडर सेक्शन से, 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 से मोहम्मद यासिर मोहम्मद विलाल और ऐसे एम सगीर खान हैं बॉलिंग सेक्शन से, से रिजवान अमानत अली उल्ला रजा खलिक और ऐसे एहानिफ के साथ में गया हूँ कैप्टन दोस्तों मैंने ऐसे वाजिद खानक किया हुआ है जिनको कैप्टन करने का सिंब्ल रीजन है आपको ओपन करके देंगे प्लस आपको चार ओवर की बॉलिंग करके देंगे इस हमारे कैप्टन और काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर माने जाते हैं वाइस कैप्टन दोस्तों रिजवान माना चली है ये आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग करके देंगे प्लस ये भी आपको तीन चार ओवर की बॉलिंग करके देने वाले हैं तो दोस्तों हमारे सी बी स्मॉल लीग में दोनों बेस्ट हैं कैप्टन कैप्टन के जील के अंदर जो आप सी ट्राई कर सकते हो तो इन दोनों तो बनाना ही है इसके अलावा जो आप ट्राई कर सकते हो यासीर को भी आप ट्राई कर सकते हो तो आप इन तीनों में स्मॉल लीग में रखिएगा कि के अंदर मैक्सिमम टीम में अपने इन तीनों को ही कैप्टन और कैप्टन करना है इसके अलावा जो आप ट्राई कर सकते हो जेल पे तो बॉल फर्स्ट सिस्टम का होता है तो रान को भी आप जेल के अंदर सी बी सी ट्राई कर सकते हो बाकी दोस्तों अभी के लिए टीम हमारा यही है अभी के लिए मैं इसी टीम से कॉन्टेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन आफ्टर इस टीम में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो फाइनल अपडेट फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो आप जल्दी से आगे टेलीग्राम से जुड़ जाइए लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा बाकी कुछ क्वेश्चन होता है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लव यू वेल टेक केयर बाय बाय